तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू तेरदेव इन्वेस्टमेंट लैब। गाइस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आपको शेयर को बाय करने में प्रॉब्लम होती है, कंफर्म नहीं हो पाते कि हमें इस शेयर को बाय करना चाहिए या नहीं, तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। प्ले लिस्ट में आने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये दो लिस्ट है फ्रेंड्स, इसमें मैंने कंफर्म किए हैं। आप इस लिस्ट में जाकर के आप शेयर को चूज कर सकते हैं। उस शेयर में मैंने शेयर को फ्रेंड्स कंफर्म किए हैं। मैंने ये भी बताया है कि इस शेयर को बाय करने के बाद आपको प्रॉफिट हो सकता है या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं प्रतिदिन नए स्टॉक्स पर डिस्कस करता हूँ, वो फ्रेंड्स आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहे तो आप यहाँ से भी अपने स्टॉक्स को चूज करके अपना शेयर को बाय कर प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आरबीएल बैंक के बारे में। इसमें हम आज देखेंगे कि ये जो शेयर है अभी बुलिश ट्रेंड बना रहा है या फिर बेयरिश। तो गाइस अगर आज इसने बुलिश ट्रेंड बनाया तो कल का जो मार्केट होगा ओपन होगा तो उसमें भी ये बुलिश ट्रेंड बनाएगा या फिर बेयरिश। अगर इसने आज बेयरिश ट्रेंड बनाया है तो कल का जो मार्केट ओपन होगा उसमें वो बेयरिश ट्रेंड बनाएगा ही या फिर वो बुलिश ट्रेंड बनाएगा। और अगर इसने आज बेयरिश ट्रेंड बनाया तो कितने परसेंट से ये डाउन में चल रहा है हम ये देखेंगे। तो गाइज आज मैं आपके साथ इस वीडियो में ये 5 पॉइंट डिस्कस करूंगा। आप देख सकते हैं नंबर फर्स्ट में फ्रेंड्स आपके साथ मैं ओपन लो हाई और क्लोज में इसका डिस्कस करूंगा। नंबर सेकंड में फ्रेंड्स मैं आपके साथ इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस डिस्कस करूंगा कि अगर ये फ्रेंड्स अगर ये डाउन ट्रेंड बना रहा है तो इसका सपोर्ट कहाँ तक हो सकता है, ये फ्रेंड्स कहाँ के जाने के बाद वो आपस बुलिश ट्रेंड बनाता है। अगर ये फ्रेंड्स बुलिश ट्रेंड बना रहा है तो इसका टारगेट क्या हो सकता है, ये कहाँ तक जा सकता है फ्रेंड्स हम ये देखेंगे। नंबर थर्ड में फ्रेंड्स हम देखेंगे इसका मूविंग एवरेज, 20 डे का मूविंग एवरेज, 50 डे का मूविंग एवरेज और 100 डे का मूविंग एवरेज। मैं रियल चार्ट पे लगा के फ्रेंड्स आपको क्लियर करूंगा कि ये जो शेयर है कैसा चल रहा है, हमें ये क्या सिग्नल दे रहा है। नंबर फोर्थ में फ्रेंड्स हम देखेंगे इस आरएसआई लगाकर मैं आपको ये दिखाने वाला फ्रेंड्स कि ये जो शेयर है हमें बाय का सिग्नल दे रहा है या फिर सेल का सिग्नल दे रहा है। नंबर फाइव में हम देखेंगे फ्रेंड्स एमएससीडी भी जो है हमें बाय का सिग्नल दे रहा है या फिर सेल का सिग्नल दे रहा है। और इसमें हम ये देखेंगे कि ये जो ट्रेंड है अभी जो बुलिश ट्रेंड में चल रहा है या फिर बियरिश ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड्स हम इसमें ये क्लियर करेंगे। अगर बात करें इसके ओपन प्राइस की, देखिए आप इसका ओपन प्राइस है 205 रुपीज। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका जो आज का हाई रहा है वो 205 का इसने आज का हाई बनाया है और फ्रेंड्स इसने आज का जो लो बनाया है 183 का बनाया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो अभी चल रहा है मार्केट ये 189 पे फ्रेंड्स ये चल रहा है और ये फ्रेंड्स अभी -10.38% से डाउन में फ्रेंड्स अभी ये शेयर चल रहा है। गाइस आप देख सकते हैं मैंने 1 डे के कैंडल के साथ आरबीएल बैंक का चार्ट लगा रखा है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैंने इसने देख सकते हैं फ्रेंड्स इसने आज का जो कैंडल बनाया है वो बेयरिश बनाया है फ्रेंड्स, काफी बड़ा ही कैंडल बनाया है फ्रेंड्स इसने। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स अभी आज इसने जो क्लोजिंग दिया है वो -10.61% से डाउन में चल रहा है फ्रेंड्स और इसका जो क्लोजिंग है 188 पे फ्रेंड्स आज कर रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो इस तरफ बेयरिश बना रहा है अगर इसी तरह आगे बढ़ता है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट अपना जो इसका सपोर्ट है इसको क्रॉस करते हुए फ्रेंड्स आगे बढ़ रहा है, सेकेंड सपोर्ट के पास फ्रेंड्स इसने आया था बट ये फ्रेंड्स क्लोजिंग दिया है फिर वापस ऊपर जा करके। तो फ्रेंड्स अगर इसी तरह आगे बढ़ता है तो फ्रेंड्स ये जो है ये अपना सेकेंड सपोर्ट को क्रॉस टच करेगा फ्रेंड्स, ये इसका जो सेकंड सपोर्ट है 187 का है। और फ्रेंड्स अगर बाई चांस इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो फ्रेंड्स इसका थर्ड सपोर्ट हो सकता है 170 का। फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स बाई चांस अगर ये यहाँ से बुलिश कैंडल बनाता है तो फ्रेंड्स इसका जो है टारगेट हो सकता है ये आप देख सकते हैं 216 का। और फ्रेंड्स इसको ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो इसका सेकेंड टारगेट हो सकता है 227 का। तो फ्रेंड्स आगे भी इसका आप सपोर्ट देख सकते हैं, अगर इसको ब्रेकआउट करके आगे बढ़ता है तो ये टारगेट को आप ये अचीव कर सकता है फ्रेंड्स। गाइस देख सकते हैं इसने जो है फर्स्ट अपना सपोर्ट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ाया सेकंड सपोर्ट के पास फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स अभी थोड़ा दूर है तो फ्रेंड्स इसने क्रॉस किया तो हो सकता है ये यहाँ पे आना चाहेगा। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे आ सकता है तो हो सकता है ये बेयरिश कैंडल बनाए। तो फ्रेंड्स जब अगर मार्केट अगर नेक्स्ट डे ओपन होता है तो हो सकता है ये एक दो और बेयरिश कैंडल बना सकता है। अगर बात करें इसके मूविंग एवरेज की तो देखिए फ्रेंड्स ये जो ब्लू वाला लाइन है 20 डे का मूविंग एवरेज है, येलो कलर का लाइन है जो 50 डे का मूविंग एवरेज है और ये जो रेड कलर का लाइन है ये 100 डे का मूविंग एवरेज है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो मूविंग एवरेज इसने 20 डे का 50 को मूविंग एवरेज को पहले ही क्रॉस कर चुका था फ्रेंड्स और ये 100 को मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करते हुए फ्रेंड्स अभी ये जो है बेयरिश कैंडल यहाँ पे बना रहा है। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जो छोटा वाला मूविंग एवरेज है बड़े वाले मूविंग एवरेज के नीचे हो, यानी कि बड़ा वाला मूविंग एवरेज हो ऊपर चल रहा हो तो फ्रेंड्स ये बेयरिश कैंडल का संकेत होता है फ्रेंड्स, बेयरिश ट्रेंड का संकेत होता है। तो फ्रेंड्स इसने बेयरिश कैंडल बनाया है, बेयरिश ट्रेंड बनाया है। अगर यहाँ से अगर ये ट्रेंड रिवर्सल करता है तो हो सकता है फ्रेंड्स ये अपने 20 डे के 50 डे के और 100 डे के मूविंग एवरेज जो है अपना टारगेट बना सकता है। अगर बात करें आरएसआई की देखिए फ्रेंड्स मैंने आरएसआई लगा रखा है और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो आरएसआई का ग्राफ में ये फ्रेंड्स आरएसआई जो हमें
ये जो बाइक का सिग्नल हमें दिया था काफी अच्छा बाइक का सिग्नल हमें दिया था फ्रेंड्स, लेकिन अभी ये जो है सिग्नल हमें सेल का दे रहा है। RSI अभी सेल का सिग्नल दे रहा है, तो फ्रेंड्स अभी आपको बाय नहीं करना है। अच्छा सिग्नल हमें सेल का दिया है फ्रेंड्स, RSI जो अभी हमें सेल का ही सिग्नल दे रहा है। तो गाइज अगर बात करें MACD की, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने MACD लगा रखा है और ये फ्रेंड्स MACD का ग्राफ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स MACD जो है अभी हमें बाई का सिग्नल देते देते फ्रेंड्स इसने हमें वापस सेल का ही सिग्नल दे दिया है। तो फ्रेंड्स MACD जो है अभी हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। तो फ्रेंड्स अभी आप बाई ना करें, बाई करने का अभी इसने हमें सिग्नल नहीं दिया है, इसने हमें सेल करने का सिग्नल दे रहा है। और फ्रेंड्स अभी इसने क्लियर भी हो रहा है कि फ्रेंड्स हमें यहां से आप सेल करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। गाइस अगर आपको यहां से कंफर्म नहीं हो रहा तो फ्रेंड्स अगर इसको हम 4 आवर में लगाकर देखें, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको 4 आवर में चेंज किया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 4 आवर में इसने हमें सेल का सिग्नल दे दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो है अभी हमें 4 आवर में सेल का सिग्नल दे रहा है। तो इसने हमें फ्रेंड्स बाई का सिग्नल दिया था, देखिए फ्रेंड्स इसने हमें बाई का सिग्नल दिया था, लेकिन अभी ये सिग्नल यहाँ पे दिया था, बट वापस फ्रेंड्स ये हमें सेल का सिग्नल अभी यहाँ पे दे रहा है, बाई का सिग्नल नहीं दे रहा है। इसलिए अभी ये हमें बाय नहीं करना चाहिए। अगर आपको बाय करना चाहते हो फ्रेंड्स अभी ना करें, अभी आपको सेल का ही सिग्नल दे रहा है सिर्फ ओनली। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस करें। फ्रेंड्स मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको वीडियोज मिलते रहेंगे, बहुत ही फ्रेंड्स आपको यूजफुल है, आप इसे देखें, आपको जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में काफी हेल्प करने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर